इसराइल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इसराइल हिजबुल्ला के हमलों से बार बार दहल रहा है। दक्षिणी लेबनान के भीतर से हिजबुल्ला एक के बाद एक रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, जिसका IDF को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही हिजबुल्ला गाजा में हमास को बचाने के लिए उत्तरी इसराइली बॉर्डर पर हमले कर रहा है। लेकिन IDF चाहती है कि वो हिजबुल्ला के साथ बिना पूर्ण युद्ध में जाए उसके हमलों का जवाब देती रहे, लेकिन इसराइल के इसी रुख का फायदा अब हिजबुल्ला उठा रहा है। हिजबुल्ला ने एक बार फिर से 11 जून 2024 को एक ही दिन में उत्तरी इसराइल पर 80 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। सबसे पहले तो हिजबुल्ला ने IDF के एक लड़ाकू जहाज को खदेड़ने के लिए एक हवाई हमला किया और उसके ऊपर जमीन से हवा में वार करने वाली एक मिसाइल दाग दी। इसके बाद नेतुआ सेटलमेंट पर हिजबुल्ला के लड़ाके रॉकेटों से हमला कर देते हैं, जिसमें IDF को भारी नुकसान होने की खबर है। इस हमले के बाद यार्डन बैरक्स में IDF की आर्टिलरी और आर्म ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर हमला होता है। यहां पर हिजबुल्ला के लड़ाके IDF पर कत्यूशा रॉकेट्स फायर कर देते हैं। इसके बाद हिजबुल्ला के लड़ाके मैतुला सेटलमेंट, बारम फॉरेस्ट, मिसगाव आम सेटलमेंट पर भी ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। और उधर कफार चौबा और गाशेर हाजीव सेटलमेंट पर हिजबुल्ला दर्जनों से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट्स दाग देता है। इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया ने खुद माना है कि 11 जून का दिन बेहद ही भीषण हमलों वाला है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने भी हिजबुल्ला के इन हमलों का कड़ा जवाब दिया। दरअसल इजरायल के एक हवाई हमले में हिजबुल्ला का सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला मारा गया। अब्दुल्ला दक्षिणी लेबनान के जोइया कस्बे में मारा गया। बड़ी बात यह है कि यह इलाका इजरायली बॉर्डर से महज 15 किलोमीटर दूर है और अब्दुल्ला के साथ हिजबुल्ला के 3 और ऑपरेटिव मारे गए हैं। IDF का कहना है कि उसने एक इमारत पर एयर स्ट्राइक की है, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्ला रॉकेट लॉन्चिंग के लिए कर रहा था। IDF की एयर स्ट्राइक एतरॉन इलाके में हुई है। इसके अलावा डियर एम्स में भी हिजबुल्ला की एक लॉन्चिंग साइट पर हमला किया गया है। IDF का कहना है कि उसने हिजबुल्ला की यूनिट 4400 पर बालबेक इलाके में हमला किया है। हिजबुल्ला की यूनिट 4400 का काम लड़ाकों के लिए हथियार जुटाना था।